हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने कीपैड के मोबाइल से किसी के पास मैसेज करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कीपैड के मोबाइल से किसी के पास अगर मैसेज करना रहे तो आप कैसे कर पाओगे? आज की इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, मान लीजिए रिसेंटली कॉल मैंने कोई किया है, उस नंबर पर मुझे मैसेज करना है। मान लीजिए मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है, तो दोस्तों इस नंबर पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर बटन एक मिल जाता है इस राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे सेंड मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा जिसके पास आप मैसेज करना चाहते हो, वो नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इन चारों बटन में से आपको नीचे वाली बटन को एक बार प्रेस कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों जो भी मैसेज आप करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसा कि दोस्तों मान लीजिए मुझे हेलो यहाँ पर मैसेज सेंड करना है इस नंबर पे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं हेलो अब लिख लूंगा इस तरीके से, जैसा कि एच उसके बाद ई, इस तरीके से हेलो लिख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी मैसेज लिखना रहेगा उस इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हरे कलर के ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पे सेंड मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसेज मेरा सेंड हो चुका है, सेंड मैसेज सेंड। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां से किसी के पास मैसेज सेंड कर सकते हो। अब बात रही कॉन्टैक्ट नंबर को, अगर मैं मैसेज करना चाहता हूं तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो यहां पर आपको अपने कॉन्टैक्ट को इस तरीके से ओपन करना है। अब जिसके पास मैसेज करना रहेगा दोस्तों उसके कॉन्टैक्ट नंबर को एक बार क्लिक कर लेना है। मान लीजिए मैं आकाश पाल के पास इस तरीके से मैसेज सेंड करना चाह रहा हूं, तो दोस्तों आकाश पाल के कॉन्टैक्ट नंबर को आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बीच वाली बटन को प्रेस करना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीले कलर के ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे सेंड मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको बीच वाली बटन को प्रेस करके ओके कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको ध्यान देना है, इन चारों बटन में से आपको एक बार नीचे वाली बटन को इस तरीके से प्रेस कर देना है जिससे आपको यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जो भी मैसेज यहाँ पर आप लिखना चाहो उस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये नीले कलर के ऊपर जो एक बटन होता है इस पर आपको एक बार प्रेस कर देना है। इस पर प्रेस करने के बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आपको सेंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको आ जाना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको बीच वाली बटन को प्रेस करके मैसेज को सेंड कर देना, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैसेज सेंड कर रहा है, उसके बाद मैसेज सेंड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कीपैड के मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर को या रिसेंटली नंबर पर अगर आप मैसेज करना चाहो तो इस तरीके से आप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही जानकारी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपको कीपैड मोबाइल से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।